दोस्तों, यूं तो 2022 में बहुत सारी हिंदी वेब सीरीज रिलीज की गई हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में जो कि एक्चुअल में 2022 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से गिनी जाती हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि इन सीरीज को सबसे ज्यादा इंटरनेट पर देखा गया है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। इनके अलावा भी बहुत सारी सीरीज हैं, और उन सभी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जिन्हें भी मूवी रिव्यू या फिर मूवी न्यूज में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, वो प्लीज मेरे नए चैनल बापुन एमजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल में जाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, धप्पा। सीरीज बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज के टोटल 5 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं, और हर एक एपिसोड्स में आपको नई नई कहानियां और नए नए कैरेक्टर्स नजर आने वाले हैं, और हर एक कहानी आपको काफ़ी हद तक हंसाने भी वाली है। सीरीज रिलीज की गई है हंगामा ओरिजिनल पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। नंबर 8, रिफ्यूजी। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे टेररिस्ट से जो कि एक्चुअल में इंडिया में आते हैं और अपना टेरर फैलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें रोकना भी चाहते हैं, और लास्ट तक इन दोनों के संघर्ष में किसकी जीत होती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज बंगाली और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई है होइचे ओरिजिनल पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 8, ब्रोकन न्यूज़ सीजन 1। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों, इस वेब सीरीज में आप देख पाएंगे न्यूज चैनल्स के कुछ हिडन सीक्रेट्स को, और एक न्यूज चैनल अपनी TRP बढ़ाने के लिए किस हद तक उतर सकती है, ये सारी चीजें इस कंप्लीट सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज रिलीज की गई है Z5 पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 7, उड़न पटोलास। सीरीज बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है 4 लड़कियों से जो कि अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हैं, लेकिन उनके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, और उन परेशानियों को वो किस तरह हैंडल करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे सीरीज में। सीरीज की स्टोरी आपको वन ऑफ द बेस्ट लगने वाली है। इसे रिलीज की गई है Amazon Prime Video पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.5। नंबर 6, माई। सीरीज बेस्ड है एक्शन और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसी माँ से जो कि अचानक से ही अपनी बेटी को खो देती है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसकी बेटी को एक्चुअल में मार दिया गया था, और फिर वो माँ निकल पड़ती है अपनी बेटी के खूनी को तलाश करने के लिए, और लास्ट तक उसकी तलाश कहाँ पर जाकर खत्म होती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.3। नंबर 5, अनदेखी सीजन 2। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की सीजन 1 तो जबरदस्त हिट रही थी, लेकिन सीजन 1 में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसे अनसॉल्व भी रख दिया गया था, और उन्हीं चीजों को सीजन 2 में सॉल्व करने की कोशिश की गई है। सीरीज की स्टोरी आपको वन ऑफ द बेस्ट लगने वाली है। इवन इसकी सीजन 3 बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। सीरीज रिलीज की गई है सोनी लिप पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 4, निर्मल पाठक की घर वापसी। सीरीज बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है निर्मल से जो कि एक गांव का लड़का है, लेकिन बहुत साल बाद वो गांव में रिटर्न आता है, लेकिन गांव में रिटर्न आते ही वो बहुत सारे जात पात और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और उन्हीं चीज़ों को वो सुधारने के लिए क्या क्या करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है सोनी लिप पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.7। नंबर 3, आश्रम सीजन 3। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे आश्रम से जहां पर एक बाबा जी जो कि एक्चुअल में लड़कियों का शोषण भी करते हैं और बहुत सारे क्राइम्स भी करते हैं, लेकिन वो लोगों के सामने देवता जैसे पूजे भी जाते हैं, और लास्ट तक इस बाबा जी की असलियत किस तरह सामने आती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है MX प्लेयर पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 2, कोर्ट एम सीजन 2। सीरीज बेस्ड है एक्शन थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है आर्मी बेस कैंप से जहां पर अचानक से ही CM को मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां के कुछ जाबाज ऑफिसर जो कि CM को किसी तरह बचा लेते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिरकार CM को कौन मारना चाहते हैं और इसके पीछे असल में क्या मोटो है। सीरीज रिलीज की गई है बूट सेलेक्ट पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6।
और लास्ट और नंबर वन पर हम बात करेंगे पंचायत सीजन टू। सीरीज बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी आपको ले जाती है फुलेरा गांव, जहां पर आप देख पाएंगे गांव के कुछ छोटे मोटे समस्या और उन समस्याओं का समाधान किस तरह होता है, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज की स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इवन ये कंप्लीट वेब सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हंसाने भी वाली है। सीरीज रिलीज की गई है अमेजन प्राइम वीडियो पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.9। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह की अमेजिंग अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।